आप लोग जब करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो उसमें एक टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, पुरस्कार और सम्मान के बारे में। और आप लोग देखते होंगे कि जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हो उसके एक साल पुराने, मतलब एक साल तक के आप लोग सभी पुरस्कार और सम्मान देखते हैं। तो याद रखिए, 2020 और 21 के जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आपके पुरस्कार और सम्मान से सिविल सर्विस में, स्टेट पीसीएस में और भी आपके जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। और एक बात हमेशा बोल रहा हूँ मैं कि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको, तो आप लोग कम से कम 5 से 6 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर जरूर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या रहता है कि आपको मालूम चल जाता है कि हाँ, इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, क्या है आपके सामने, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021, ए डॉक्टर हर्षवर्धन। आप जानते हैं कि पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, लेकिन कोरोना महामारी इन्हें भी ले डूबी। अरे मेरा मतलब, ले डूबी का मतलब अपना पद, मंत्री पद इन्हें छोड़ना पड़ा, आपने देखा है, ठीक है। और कुछ मत लगाना अंदाज। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार डेविड डियोप को। इनका उपन्यास कौन सा है, एट नाइट ऑल ब्लड इन बैग इज बैक, ठीक है। इस उपन्यास को भी याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि किस इनका कौन सा उपन्यास है, ठीक है। ग्रीन पिनेयोर अवार्ड्स 2021 डॉक्टर चारू खोसला को, डॉक्टर चारू खोसला को, ठीक है। आगे आप देखेंगे, पेन पेंटर पुरस्कार, पेन पेंटर पुरस्कार एसीसी डंग रेम्बगा को, ठीक है। एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन 2021 आर एस सोडी को, ठीक है। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड सुमित्रा मित्रा को, ठीक है। ओपन ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 के के सैलजा को, स्मार्ट सिटी अवार्ड इंदौर सूरत को, फुकुओका पुरस्कार ये जापान का है, ये मिला है किसे, पी साई नाथ को। द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार ये मंगोलिया पुरस्कार किसे मिला है, आर के सबरवाल को। कुबेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार राजेंद्र किशोर पांडा को। मुझे लगता है कि इस बार आपकी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चंस जरूर आएगा, गांधी शांति पुरस्कार से, क्योंकि आप देखते हैं कि 2019 का भी दिया गया है, 2020 का भी दिया गया है। तो भारत सरकार द्वारा 2019-20 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की घोषणा आपने देखा होगा कि 22 मार्च 2021 को की गई थी, और वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। 2020 की बात कर रहा हूँ, 2020 का किससे मिला है, जो आप देखते हैं कि बांग्लादेश के संस्थापक रहे हैं दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 का अगर आपसे पूछता है तो ओमान की दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद को दिया गया है। आसानी से याद बना रहेगा आप लोगों को, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो आसानी से, मुझे नहीं लगता है कि बड़े सरल नाम है एक तरह से, जितने एक तरह से ऊटपटांग नाम होते हैं उतने ही आसानी से याद बने रहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश और ओमान, FIAF अवार्ड 2021, अमिताभ बच्चन को 19 मार्च 2021 को वर्चुअली रूप से संपन्न इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स द्वारा प्रतिष्ठित वर्ष 2021 का FIAF अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सीधी सी बात याद रखिएगा, FIAF अवार्ड 2021 किसे मिला है, अमिताभ बच्चन को, और आप सभी लोग इस नाम से परिचित हैं।
बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, विश्व रैपिड चेस चैंपियन कुनेरू हम्पी को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। विश्व रैपिड चेस चैंपियन कुनेरू हम्पी को, और इसके साथ आप देखेंगे प्रसिद्ध एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे तीसवा बिहारी पुरस्कार 2020, याद रखिए 2020 का है और 2021 में दिया गया। ठीक है, तो के फिर बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 31वां बिहारी पुरस्कार, ये पुरस्कार किसे मिला है? मोहन कृष्ण वोहरा को। ठीक है, उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है, तो इनकी पुस्तक का भी आप लोगों को नाम याद रखना होगा। सैराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार 2021, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्षिक कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक सम्मेलन 2021 के दौरान आप देखेंगे सैराविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग, प्रधानमंत्री मोदी हैं आपके, उन्हीं को मिला है। प्रतिजिकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, फ्रांस के वास्तुकार जोड़ी एनी लेक्टोन और जिन फिलिप वासल को आपका जो प्रतिष्ठित प्रतिजिकर पुरस्कार है, आर्किटेक्चर पुरस्कार, ये दिया गया है। किसे? एनी लेक्टोन और जिन फिलिप वासल, कहां के हैं? फ्रांस के प्रतिजिकर। इसका उच्च चमेली देवी पुरस्कार द मीडिया फाउंडेशन ने आप देखेंगे कि उत्कृष्ट महिला पत्रकार की श्रेणी में गांव कनेक्शन की वरिष्ठ संवाददाता नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार दिया गया है। तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? नीतू सिंह को। ठीक है, मतलब 30वां ब्यास सम्मान 2020 किसे मिला है? शरद पगारी को। उनका उपन्यास कौन सा है? किस उपन्यास के लिए? पाटलिपुत्र की समराग्गी। ठीक है, शरद पगारी 30वां है। 30वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ये आप सभी जानते हैं कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी उपन्यास है इनका सनातन के लिए 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो आप लोग याद रखिए कि 30वां सरस्वती सम्मान डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। किसे? रजनीकांत को। 30वां जीडी बिरला पुरस्कार सुमन चक्रवर्ती। 36गढ़ वीरणी पुरस्कार दूती चंद। किसे? दूती चंद। देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 आशुतोष भारद्वाज को। ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार अल्फ्रेड वेनो। UAE के शीर्ष नागरिक पुरस्कार यूसुफ अली। कलिंग रत्न पुरस्कार आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सर रिचर्ड हेडली पदक 2021 केन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रोमाना सिंघा को मिला है। विकलेव हेविल ह्यूमन राइट पुरस्कार 2021 लोजेन अल हत लोल को मिला है। ऑस्कर 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म नॉमलैंड, ऑस्कर 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है, किसे मिला है? नॉमलैंड को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड कृति करण। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान श्यामला गणेश को। किसे? श्यामला गणेश को। यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को। एयरलाइन फेज ग्लोबल विजन 2021 पुरस्कार गीता मित्तल को। 15वें शेख जायद बुक अवार्ड तहेरा कुतुब हीन को। लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 राफेल नडाल को।
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 शकुंतला थिल्स टेड को, बेथली अवार्ड 2020 ग्रीन ऑस्कर इनुक्लू फॉर्म को, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को, ग्लोरी ऑफ द ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 घोषाल कौशिक को, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड सुरेश मुकुंद को, अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग लिम साहित्य पुरस्कार 2021 वेलेरिया लुसीली को, एटनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 भारतीय हॉकी टीम को, किसे? भारतीय हॉकी टीम को। भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एन एम को, टिम लटन पुरस्कार 2021 डॉक्टर जेन गुडऑल को, ओ एन बी पुरस्कार वेरा मुथु को, रुडोल्फ बी स्कैंडलर अवार्ड 2021 डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को, अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 सी एन राव को, 2021 प्रिंसेप ऑफ ऑस्टोरियस अवार्ड ए अमृत कुमार सेन को। अमृत कुमार सेन आप जानते होंगे हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था अर्थशास्त्र का, समझ रहे हैं? अब हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कार 2021 के, तो इसमें आप देखेंगे कला सामाजिक कार्य जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा साहित्य और शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 119 पद्म अलंकरों को शामिल किया गया इसमें। और इसमें आप देखेंगे पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया है। और आप देखिए कि 119 हैं, बहुत ज़्यादा नाम होते हैं, और आपके लिए ही नहीं, हर किसी के लिए इन्हें रट पाना संभव भी नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए कि जो चर्चा में रहे हैं लोग, उन्हीं को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपका वहीं से पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तभी इनकी घोषणा भी होती है। तो इसमें आप देखेंगे आपके साथ तो आपको पद्म विभूषण देखने को मिलेगा, और आपको 10 पद्म भूषण देखने को मिलेगा, और 102 पद्म श्री शामिल हैं। और इन पुरस्कारों में 29 आपकी महिलाएं, कितनी? 29। 10 आपको विदेशी प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल की श्रेणी के देखने को मिलेंगे, और इसमें आप लोगों को 16 लोग वो मिलेंगे या तो मतलब उन्हें मरने के बाद दिया गया। और इसमें एक देखेंगे आप लोग कि एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है, समझ रहे हैं? तो ये आप लोग सभी याद रखिए, महिलाओं को भी 29 महिलाओं को मिलेगा, एक ट्रांसजेंडर को मिलेगा, और आपका 16 व्यक्तियों को मरने के बाद मिलेगा। अभी नहीं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए पद्म विभूषण के बारे में। तो सिंजो आबे आप जानते हैं कि जनसेवा से संबंधित हैं, और ये आपके जापान के हैं, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इन्हें मरने के बाद मिला है, कला से संबंधित हैं और तमिलनाडु के हैं, कहाँ के? तमिलनाडु के। डॉक्टर बिल्ले मुनप्पा हेंगडे, ये आपके चिकित्सा से संबंधित हैं, तमिलनाडु के हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, यूएसए के हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। फिर है आपका मौलाना बहीरुद्दीन खान, ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं। बीबी लाल, ये आप देखेंगे पुरातत्व से जुड़े हुए हैं, दिल्ली के हैं। सुदर्शन साहू, ये कला से जुड़े हुए हैं और उड़ीसा के हैं, कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। अभिनय भी देख लीजिए आप लोग, पद्म भूषण, तो इसमें आप लोग ये नाम हो गए इनके, ये क्षेत्र हो गए किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और ये राज्य हो गया। तो कृष्णन नायर, शांता कुमारी, एक कला से जुड़ी हुई हैं और केरल की हैं, कहाँ? केरल। तरुण गोगोई, इन्हें मरने के बाद दिया गया है, जनसेवा से जुड़े हुए थे और असम के थे, कहाँ के? असम के। चंद्रशेखर कामरा, ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कर्नाटक के हैं। सुमित्रा महाजन, जनसेवा से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश की हैं, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी हैं ये, ठीक है, इंदौर से आती हैं। तो ये नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। नृपेंद्र मिश्र, लोक सेवा से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश के हैं।
रामविलास पासवान जनसेवा से जुड़े हुए थे, बिहार के थे, पॉलिटिशियन थे ना ये, ठीक है, चिराग पासवान के पिताजी हैं ये, इन्हें भी मरने के बाद दिया गया। केशुभाई पटेल जनसेवा गुजरात के हैं, कल्बे सादिक ये धर्म से जुड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश के हैं, रजनीकांत देवदास श्रॉफ ये व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। फिर आप देखेंगे तरलोचन सिंह ये जनसेवा से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के हैं, कहाँ के, हरियाणा के। इन्हें भी देख लीजिए, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसमें भी आप देखेंगे ये नाम हो गया, इनका ये क्षेत्र हो गया और ये राज्य हो गया जिस राज्य से संबंध रखते हैं। गुलफाम अहमद एक कला से जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से। पी अनीता एक खेल से जुड़े हुए हैं, तमिलनाडु से हैं। रामास्वामी अन्ना वरापू एक कला से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश। सुब्बू अरुमुगन एक कला से जुड़े हुए हैं और आपके तमिलनाडु से संबंध रखते हैं। विकास राव आशावादी ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। भूरी बाई एक कला से जुड़ी हुई हैं, एमपी से, मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं। राधे श्याम वर्ले एक कला से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से संबंध रखते हैं। धर्म नारायण वर्मा ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। लक्ष्मी बरुआ ये समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, असम से संबंध रखती हैं। वीरेंद्र कुमार वसक एक कला से जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। रजनी वेक्टर एक व्यापार उद्योग से जुड़े हुए हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। और पीटर ब्रुक एक कला से जुड़े हुए, यूनाइटेड किंगडम से हैं, ठीक है, यूके से। ये भी आप लोग याद रखें। फिर आपके संग संग खुमी वकाल चुआक ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, मिजोरम के हैं। गोपीराम बरगायन बुरा भगत भगत एक कला से जुड़े हुए हैं, असम से। विजय चक्रवर्ती जनसेवा से, असम से संबंध रखते हैं। सुजीत चट्टोपाध्याय साहित्य और कला, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। जगदीश चौधरी इन्हें मरने के बाद दिया गया है, समाज सेवा से जुड़े हुए थे, यूपी से थे। सुलटीम चौन जोर ये समाज सेवा से, लद्दाख से थे। माउमा दास एक खेल से जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल से हैं, ठीक है। श्रीकांत दत्तर ये साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए थे, यूएसए से हैं। नारायण देवनाथ देवनाथ कला से जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं। चुटनी देवी ये समाज सेवा से, झारखंड से थीं। दुलारी देवी कला से जुड़ी हुई थी, बिहार की हैं। राधे देवी कला ये मणिपुर से हैं। शांति देवी समाज सेवा से, उड़ीसा। वैन डिविया कला से थे, इंडोनेशिया। दादूदन गढ़वी ये आप देखेंगे साहित्य और शिक्षा से, गुजरात से संबंध रखते हैं। परशुराम आत्मराम गंगावने एक कला से थे, महाराष्ट्र से। जय भगवान गोयल साहित्य और शिक्षा, हरियाणा से, कहाँ से, हरियाणा से। जगदीश चंद हल्दर साहित्य और शिक्षा से, पश्चिम बंगाल से। मंगल सिंह साहित्य और शिक्षा, असम से। अपने अपने राज्यों के जो एग्जाम आप लोग देखते रहते हैं ना, उन्हें जरूर याद रखिए अपने राज्य के। अंशु जमसे नपा खेल से, अरुणाचल प्रदेश। पूर्णमासी जानी एक कला, उड़ीसा से। माथा भी मंजमा जुगाती कला कहाँ से है, कर्नाटक से। दामोदरम केथापराम कला केरल से है। नामदेव सी कामले ये साहित्य और शिक्षा, महाराष्ट्र से। महेश भाई नरेश भाई कनोडिया ये इन्हें मरने के बाद दिया गया, कला से जुड़े हुए थे, गुजरात से संबंध रखते हैं। रजत कुमार साहित्य और शिक्षा, उड़ीसा से। रंगास्वामी लक्ष्मी नारायण कश्यप साहित्य और शिक्षा, कर्नाटक से। प्रकाश कौर समाज सेवा, पंजाब से। निकोलस कजानस साहित्य और शिक्षा से, ग्रीस से हैं। के केशव स्वामी कला से, पुडुचेरी से हैं। गुलाम रसूल खां एक कला से जुड़े हुए थे, जम्मू कश्मीर से। लाखा खान कला से, राजस्थान से। संजीदा खातून कला बांग्लादेश से। विनायक विष्णु खेड़ेकर एक कला से, गोवा से थे। नीरू कुमार समाज सेवा, दिल्ली। लाजवंती कला और ये पंजाब से संबंध रखते हैं। रजत लाल ये आप देखें, रतन लाल अब विज्ञान और अभियांत्रिकी यूएसए। अली मणिकफन नवोन्मेष से संबंध रखते हैं और लक्षद्वीप से हैं। रामचंद माझी एक कला, बिहार से संबंध रखते हैं। दुलाल मंकी कला, असम से संबंध रखते हैं।
नानाद्दो बी मारक कृषि से संबंधित मेघालय, रेओ बेन मसांगवा ये आप कलासी मणिपुर से, चंद्रकांत मेहता साहित्य शिक्षा गुजरात से, रतनलाल मित्तल चिकित्सा से पंजाब से, माधवन नामबियार एक खेल केरल, श्याम सुंदर पालीवाल समाज सेवा राजस्थान, चंद्रकांत संभाजी पांडव चिकित्सा दिल्ली, सोलोमान पप्पाया ये साहित्य शिक्षा पत्रकार से तमिलनाडु से थे, पप्पामल कृषि तमिलनाडु, कृष्ण मोहन पाथी चिकित्सा उड़ीसा, जसवंती बैन जमुनादास पोपट व्यापार उद्योग महाराष्ट्र, गिरीश प्रभो ने समाज सेवा महाराष्ट्र, नंदा प्रष्टि साहित्य शिक्षा उड़ीसा, के रामचंद फुलावर एक कला से केरल से, वालन पुथेरी साहित्य शिक्षा केरल, त्रिवाला राभा ये समाज सेवा असम, कनकु राजू कला तेलंगाना से। इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आराम से बैठ के पढ़ते रहना वहाँ। बॉम्बे जय श्री रामनाथ एक कला से तमिलनाडु, सत्याराम रियांग एक कला त्रिपुरा, धनंजय दिवाकर सचदेव चिकित्सा केरल, अशोक कुमार साहू चिकित्सा उत्तर प्रदेश, भूपेंद्र कुमार सिंह संजय चिकित्सा उत्तराखंड से, सिंधु ताई सबकाल समाज सेवा महाराष्ट्र से, चमनलाल सप्रू इन्हें साहित्य और शिक्षा में दिया गया है, जम्मू के हैं और याद रखिए इन्हें भी मरने के बाद दिया गया है, रोमन शर्मा साहित्य शिक्षा पत्रकारिता से असम से, इमरान साहे साहित्य शिक्षा असम से, प्रेमचंद शर्मा कृषि से उत्तराखंड, अर्जुन सिंह शेखावत साहित्य शिक्षा राजस्थान, राम रतन शुक्ला साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश, जितेंद्र सिंह संटी ये समाज सेवा से दिल्ली से, करतार फारस राम सिंह ये हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, कला से जुड़े हुए हैं, करतार सिंह कला पंजाब, दिलीप कुमार सिंह चिकित्सा बिहार, चंद्रशेखर सिंह कृषि उत्तर प्रदेश, सुधा हरि नारायण सिंह खेल उत्तर प्रदेश, वीरेंद्र सिंह खेल हरियाणा से, मिदुला सिन्हा ये मरने के बाद दिया गया साहित्य शिक्षा से बिहार से जुड़े हुए हैं, केसी शिवशंकर कला इन्हें भी मरने के बाद तमिलनाडु के हैं, गुरुमान कमली सोरेन ये समाज सेवा से और पश्चिम बंगाल, मराची सुब्बू रमन ये समाज सेवा तमिलनाडु, पी सुब्रमण्यम मरने के बाद इन्हें भी मिला है व्यापार से जुड़े हुए हैं व्यापार उद्योग से तमिलनाडु, नीदू मोलू सुमती एक कला आंध्र प्रदेश से थे, कपिल तिवारी साहित्य शिक्षा में एमपी से मध्य प्रदेश, फादर वॉज इन्हें भी मरने के बाद दिया गया साहित्य शिक्षा स्पेन से जुड़े हुए थे, थेरु विंगदम बीरा राघवन ये चिकित्सा से तमिलनाडु से, श्रीधर वेम्बू ये व्यापार उद्योग से तमिलनाडु से संबंध रखते, केवाई वेंकटेश एक खेल से जुड़े हुए थे कर्नाटक से संबंध रखते हैं, उषा यादव साहित्य शिक्षा उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, कर्नल काजी सज्जाक अली जाहिर ये जनसेवा से बांग्लादेश के हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से जुड़े हुए। तो इस तरह आप देख सकते हैं 119 पद्म अवार्ड हो गए आपके, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपके 7 तो पद्म विभूषण हो गए, 10 आपके पद्म भूषण हो गए, 102 पद्म श्री भी आपके शामिल हैं। इन्हें आराम से देखते रहिए और सभी नामों को याद रख पाना भी मुश्किल है मुझे लगता है। इसके लिए यही फॉर्मूला है कि आप लोग अपने राज्य की को याद रखिए, क्योंकि आपका स्टेट एग्जाम होता है उसमें पूछा जा सकता है। दूसरी बात ये याद रखिए कि जो चर्चा में रहा है उस व्यक्ति से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, सुमित्रा महाजन हो गई, रामविलास पासवान हो गए, ठीक है। अब देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2021 के नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार को गृह मंत्रालय द्वारा जो 23 जनवरी को उनकी जयंती होती ना उसी अवसर पर इसकी घोषणा की गई है, और 2021 के लिए संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है। इसमें आप देखेंगे अवार्ड जो राशि है वो 51 लाख की है, कितना 51 लाख की, और अगर हम लोग व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को इसमें आप देखेंगे 5 लाख की राशि दी जाती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में भी आपको याद रखना है और आपको संस्थागत श्रेणी में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि 2019 से इसकी शुरू की गई थी, इसकी शुरुआत 2019 से।
कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 के केंद्रीय और कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी तब के 21 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड के तीन कंपनियों, एक तो आप देखेंगे नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को कोयला मंत्री पुरस्कार 2020 दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोग इन तीनों कंपनियों को याद रखिएगा इस तरह से आप लोग। अब है आपका माइकल एंड सीला हेल्ड पुरस्कार, तो याद रखिए भारतीय गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दो अन्य लोगों के साथ वर्ष 2021 के माइकल एंड सीला हेल्ड पुरस्कार का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले के निखिल श्रीवास्तव इकोल पॉलिटेक्निक फेडरल ली लुसाने के एडम मार्कस और एल विश्वविद्यालय के डेनियल एलन स्पीलमैन को के साथ यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, निखिल श्रीवास्तव के बारे में जरूर आ सकता है। ठीक है, और इसके अगर हम लोग बात करें तो 2017 से शुरू हुआ था ये। फिर आप देखेंगे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020, तो ये आपका देखेंगे आप लोग, इस वर्ष की थीम सेलिब्रेटिंग कॉम्पिटिशन इन टाइम ऑफ कोविड, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है तो थीम भी आजकल वही रख रहे हैं। यह वार्षिक पुरस्कार हार्मनी फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया, तो इस फाउंडेशन को याद रखिए, और मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा समर्पित है। इस वर्ष के पुरस्कार में आप देखेंगे कौन कौन शामिल है, डॉक्टर एंथनी फॉसी ये अमेरिका के हैं, फादर फीवियो स्टीवे नाजी ये मिलान इटली के हैं, डॉक्टर प्रदीप कुमार ये भारत के हैं, इन्हें याद रखिए डॉक्टर प्रदीप कुमार को, क्रिस्टीन फ्रिकासी और एलिसेंदो रुमाई ओली ये इटली के हैं, संजय पांडे आईपीएस हैं या महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, इन्हें भी याद रखिए, सैफ विकास खन्ना मैनहिंटन यूएसए से, के सैलजा आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री केरल की थी और आपने देखा है कितना अच्छा प्रदर्शन किया है इन्होंने कोरोना के समय, जो व्यवस्था की इन्होंने, तो आप समझ सकते हैं तो मिलना स्वाभाविक भी था। आगे है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020, तो याद रखिए जो रेलवे के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे बी के यादव को मिला है ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा बी के यादव को। कायाकल्प पुरस्कार, तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उस समय के मंत्री, अब तो आप देखते हैं कि इन्हें हट चुके हैं, ने स्वच्छता और स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को पांचवें राष्ट्रीय कार्यकल्प पुरस्कार से 22 जनवरी 2021 को सम्मानित किया गया है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 मई 2015 को राष्ट्रीय पहल कायाकल्प की शुरुआत की थी। कब? 15 मई को। इस योजना में पहले वर्ष आप देखेंगे 716 जिला अस्पतालों पर केंद्र सरकार के संसाधनों की भागीदारी हुई थी और अब तक 26,172 सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच गई है बढ़ के। ठीक है, आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की सूची की घोषणा की है, तो इन्हें भी देख लीजिए। आईसीसी मेंस अवार्ड, आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसे मिला है? विराट कोहली को। आप देखते हैं कि विराट कोहली ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया लगातार। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड विराट कोहली, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी, एमएस धोनी इन्हें भी याद रखिएगा। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड रशीद खान अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। आप लोगों को इसमें याद रखना है कि भारत के नहीं भूलना है आपको। आईसीसी वुमेन अवार्ड की बात करें तो आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए रासेल ही हो फ्लैंट पुरस्कार एलिसा पेरी को मिला है, ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी वीमेन्स T20 क्रिकेट ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी आपकी कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की।
आरसीसी वीमेन और डीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड एलिसा फेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं। इन तीनों में आप देख रहे हैं एक ही नाम है। आईसीसी मेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड काइल कोएटजक ये आपकी स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के? स्कॉटलैंड। आईसीसी वीमेंस एसोसिएशन एसोसिएट प्लेयर ऑफ द डिकेड तो याद रखिए कैथरीन ब्राइस हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड। कहाँ के? स्कॉटलैंड। साइन अगला है आपका पुरस्कार साइन साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो याद रखिए वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को ल्यू ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा लोकोस्किन सहित अन्य जड़ी बूटियों आधारित दवाओं के विकसित करने के योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे अच्छी पॉइंट यही है कि हेमंत पांडे को याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे डिजिटल इंडिया पुरस्कार। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 30 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का वितरण किया है। छठे डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 निम्न 7 श्रेणियों में प्रदान किए गए। महामारी में नवाचार, डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता मंत्रालय, डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता राज्य और डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्ट जिला स्तर पर ओपन डाटा चैंपियन और श्रेष्ठतम उत्पाद और ज्यूरी च्वाइस इन्हें आप लोग 7 श्रेणियों में जारी किए गए हैं। इस वर्ष आप देखेंगे महामारी में नवाचार पुरस्कार या फिर इनोवेशन इन पैंडेमिक अवार्ड नामक पुरस्कार की शुरुआत की गई है, इसे भी याद रखिए। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं की अगर हम बात करें तो महामारी में नवाचार बिहार की सरकार की सहायता मोबाइल ऐप को, अब देखिए आप लोग इसमें कुछ भेदभाव देखा जाता है क्या, आप लोग बताइएगा। डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता मंत्रालय, ई कमेटी, डाक विभाग और उद्योग विभाग, भूमि संसाधन विभाग, उर्वरक विभाग। डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता राज्य केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल। ठीक है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता जिला खरगोन, इसे याद रखिए खरगोन मध्य प्रदेश का है। चांगलांग अरुणाचल प्रदेश, कामारेड्डी तेलंगाना। ओपन डाटा चैंपियन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य निगम तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय को। अनुकरणीय उत्पाद ITMS को। जोरी की पसंद आरोग्य सेतु और ई ऑफिस को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब है आपका साहित्य गौरव सम्मान। साहित्य गौरव सम्मान केंद्रीय शिक्षा मंत्री उस समय के, अब नहीं है, अब आप देखते हैं कि इनका पत्ता कट चुका है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा द्वारा प्रतिष्ठित कनाडा साहित्य गौरव से सम्मानित किया गया है। और 16 जनवरी 2021 को राजभवन में वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी मोर ने उन्हें यह सम्मान दिया है, तो याद रखिएगा। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, तो याद रखिएगा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये आपका नवाचार श्रेणी में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसे? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को। और याद रखें पिछले 3 वर्षों में 2 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। किसे? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, WCCB को। फिर आप देखेंगे 2020 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड पुरस्कार। द अर्बर द डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा हैदराबाद को 2020 टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता 17 फरवरी 2021 को दी गई है। किसे? हैदराबाद को। ठीक है, याद रखिएगा। और हैदराबाद मान्यता पाने वाला पहला मतलब देश का एकमात्र शहर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि टाइम 100 नेक्स्ट सूची जारी की गई है 2021। तो दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन है इस टाइम ने भविष्य के को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची जारी की हुई है। और ये इसमें याद रखिए जो आप देखते हैं ना कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं,
जिन्हें आप लोग रावण भी कहते हैं, भीम आर्मी के प्रमुख, उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी राजनीति, दलित राजनीति कर रहे हैं, तो इनका नाम भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि उभरते हुए चेहरा है एक युवा। इसके अलावा आप देखेंगे पांच भारतीयों को और भी दिया गया है। कौन कौन से हैं? एक तो विजय गड्डे, ये ट्विटर के शीर्ष वकील हैं, और ऋषि सुनाक, ये यूनाइटेड किंगडम के वित्त मंत्री हैं। अपूर्वा मेहता इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ हैं। शिखा गुप्ता गैर लाभकारी गेट SPPE के कार्यकारी निदेशक हैं। रोहन पाउलुई लुरी एक गैर लाभकारी आप सोल्व के संस्थापक हैं। लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाएगा अगर, तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद के बारे में हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि काफी चर्चा में बने रहते हैं। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। फिर आप देखेंगे फेमिना मिस इंडिया 2020, तो 2020 की 57वीं फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल दौर मुंबई में संपन्न हुआ था, और मुंबई के पलास होटल में संपन्न उस इस आयोजन में मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज तेलंगाना की मानसा वाराणसी को दिया गया है। इन्होंने जीता है मानसा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह ताज आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष की मिस इंडिया वर्ल्ड राजस्थान की सुमन राव थी। ठीक है, हरियाणा की मनिका सेवकंद फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया चुनी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में रनर अप रही हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, तो याद रखिए जो विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज भी हैं, ऋषभ पंत को ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, ऋषभ पंत आपके ही खिलाड़ी हैं, आपके ही देश के। महिला वर्ग में आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की हैं शबनम इस्माइल। इन्हें जनवरी 2021 में 3 एक दिवसीय और 2 T20 मैच में दो उनके T20 मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ICC वीमेन ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। महिलाओं को आप देखेंगे शबनम इस्माइल हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2020। तो 20 जनवरी को मुंबई में 5वें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड का आयोजन किया गया है, और इसमें आप देख लीजिए कुछ। तो बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म पैरासाइट, बेस्ट फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर, बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु लूडो, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर जितिन हरमीत सिंह, ठीक है, खुदा हाफिज, बेस्ट एक्टर अक्षर कुमार लक्ष्मी के लिए, बेस्ट एक्टर्स दीपिका पादुकोण छपाक, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, दिल बेचारा, आप देखते हैं इनका जो दिल बेचारा, मतलब इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, डेथ नहीं मतलब आत्महत्या कर ली थी एक तरह से। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस कियारा आडवाणी गिल्टी के लिए, बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल विक्रांत मैसी छपाक, बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल राधिका मदान अंग्रेजी मीडियम, बेस्ट एक्टर कॉमिक रोल कुणाल खेमू लूट केस, बेस्ट वेब सीरीज स्कैम 1992, बेस्ट एक्टर वेब सीरीज बॉबी देओल आश्रम, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, बेस्ट एक्टर्स वेब सीरीज सुष्मिता सेन आर्या, टीवी सीरीज ऑफ द ईयर कुंडली भाग, बेस्ट एक्टर टीवी सीरीज धीरज धपूर नागिन 5, बेस्ट एक्टर्स टीवी सीरीज सुरभि चंदना नागिन 5 के लिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र को, परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेही को, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर डब्बू रत्नानी को, स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर दिब्रा घोसला कुमार को, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा चेतन चेतन भगत, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री
अदनान सामी को एल्बम ऑफ द ईयर, तितलियां, मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर के मैनन। तो इस तरह से इन्हें याद रखिएगा, एक से दो बार पढ़ा करिएगा और निकल जाया करिएगा, ठीक है। ज़्यादा ध्यान और दिमाग मत लगाया करिए, मुझे लगता है एक से दो बार देखेंगे आराम से याद भी हो जाएंगे। बिग बॉस 14 की किताब, बिग बॉस 14 की का खिताब टीवी एक्ट्रेस रोवीना दिलीक ने जीता है, ठीक है। राहुल बैद दूसरे नंबर पर रहे हैं और फर्स्ट रन अप रहे हैं, सेकंड रन अप निक्की तंबोली रहे हैं। रुबीना दिलीक एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है जो छोटी बहू और शक्ति स्थिति के एक एहसास में की में राधिका का किरदार निभाने के लिए जानी जाती हैं। फिर आप देखेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021। तो हॉलीवुड की प्रतिष्ठित 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 की सूची जारी कर दी गई है। क्या की गई है? जारी कर दी गई है। तो इसमें आप लोग देखेंगे क्या देखोगे? बेस्ट मोशन पिक्चर टेलीविजन सीरीज ड्रामा कैटेगरी, इसमें आप देखेंगे बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस मोशन पिक्चर ड्रामा एक्टर्स द यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलीडे के लिए एंड्रा डे को मिला है। फिर आप देखेंगे बेस्ट परफॉर्मेंस मोशन पिक्चर ड्रामा एक्टर मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए चैडविक बॉसमैन को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर नोम मेडलैंड के लिए क्लोई जाओ को मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स मोशन पिक्चर द मॉरिटेनियन के लिए जोड़ी फॉस्टर को मिला है, ठीक है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स टेलीविजन द क्राउन के लिए गिलियन एंडरसन को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर सॉल के लिए ट्रेंट रेजनर और एटिकस रॉस और जॉन बटिस्ट को मिला है। बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा द क्राउन को मिला है। किसे? द क्राउन को। बेस्ट एक्टर टेलीविजन सीरीज द क्राउन के लिए जॉस ओ कॉनर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस टेलीविजन सीरीज द क्राउन के लिए एमा कुरीन को मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले मोशन पिक्चर द ट्रायल ऑफ शिकागो सेवन के लिए एरोन सोरकिन को मिला है। तो ये भी याद रखिए, बस एक दो बार पढ़ लीजिए और निकल जाइएगा। बेस्ट मोशन पिक्चर टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट टेलीविजन सीरीज में शिट्स क्रीक को मिला है। बेस्ट एक्टर टेलीविजन सीरीज टेड लासो के लिए जेसन सुडेकिस को मिला है। बेस्ट एक्टर्स टेलीविजन सीरीज शिट्स क्रीक के लिए कैथरीन ओहारा को मिला है। और बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर बोरात फिल्म के लिए साशा बैरन कोहेन को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर्स के लिए आई केयर अ लॉट के लिए रोजा मुंड पाइक को मिला है। बेस्ट लिमिटेड सीरीज कैटेगरी, तो इसमें आप देखेंगे द क्वींस गैम्बिट को मिला है, द क्वींस गैम्बिट को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर आई नो दिस मच इज टू के लिए मार्क रफेलो को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टर्स द क्वींस गैम्बिट के लिए आन्या टेलर जॉय को मिला है। बेस्ट मोशन पिक्चर फॉरेन लैंग्वेज मिनारी, बेस्ट एनिमेटेड मोशन पिक्चर सोल को मिला है, ठीक है। स्पेशल अवार्ड की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि किरोल बर्नेट अवार्ड, नॉर्मन लियर और सिसिल बीडीमी अवार्ड जेन फंडरा को, बड़े अजीब नाम है। फिर आप देखेंगे ग्लोबल हुरोन ग्लोबल रिच यानी कि अमीरों की लिस्ट, हुरोन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में आंकड़े जारी किए गए। इस बार दुनिया भर के 68 कितने 68 देशों और 2402 यानी कि 2402 कंपनियों से 3228 अरबपतियों को शामिल किया गया है। इस बार दुनिया भर में आप देखेंगे 414 अरबपति बढ़े हैं, तो आप समझ सकते हैं। टॉप अरबपति आप दे 8 देख लीजिए आप लोग। चीन में आप देखेंगे 1058 अरबपति देखने को मिलेंगे। और अमेरिका 696 अरबपति, भारत 177। आप समझ सकते हैं, तुलना भी कर लीजिए आप लोग। तो भारत को जरूर आप लोग याद रखिए, बाकी आप लोगों को याद रखना है तो रख लीजिए।
वरना छोड़ दीजिए, टॉप तीन में भारत आपका है, ठीक है। टॉप 10 अरबपति शख्स की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि आप पहले तो आप लोगों के एलन मस्क, ये टेस्ला से जुड़े हुए हैं, जेफ बेजोस अमेजन से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने अमेजन को खरीदते खरीदते यहाँ तक पहुँचा दिया, तो ये आप लोग याद रखिए। इसमें अगर भारत के शामिल है मुकेश अंबानी 8वें नंबर पर है, रिलायंस, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें 8वें नंबर पर। टॉप 5 भारतीय अरबपति शख्सों की अगर हम बात करें तो इसमें मुकेश अंबानी रिलायंस से हैं, गौतम अडानी अडानी ग्रुप, शिव नारायण SCL, लक्ष्मी एंड मित्तल, ए अरसे अरसेलर मित्तल समूह से, आयरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट। आप देख रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन भी नहीं कि सीरम इंस्टीट्यूट बना रही थी, इसके बाद आपने देखा ये यहाँ से जाने लगे थे, इन्हें डर था कि इनकी कोई मतलब, आप समझ रहे हैं। ई ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन्हें वैसे बता चुका हूँ, बेंगलुरु में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, ठीक है, और सबसे कम आबादी वाले शहरों में आप देखेंगे शिमला आपका रहा है, तो इन्हें आप लोग, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत भी है, बस थोड़ा आप लोग देख लेंगे इंडेक्स में, आपका देख भी चुके हैं, तो कुछ आपके महत्वपूर्ण यही सम्मान और पुरस्कार थे, ठीक है, तो इन्हें आप लोग देख के जाइएगा, बस एक बार देख लीजिए बड़े ध्यान से, जब देखते हैं आप लोग इस तरह की, तो आप लोग कान खुले रखना चाहिए, आंखें भी खुली रखनी चाहिए और दिमाग भी खुला रखना चाहिए, मुंह खोल कर रखना है या बंद करके रखना है ये आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे।